सो वेलकम टू अ न्यू गेस्ट एपिसोड ऑफ चलचित्र टॉक्स। इस एपिसोड में हमारे साथ हैं गजराज राव। गजराज सर एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर हैं। यू मस्ट हैव सीन हिम इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स लाइक बधाई हो, शुभ मंगल, ज़्यादा सावधान, ब्लैक फ्राइडे, तलवार, द लिस्ट इज एंडलेस। सो गजराज सर इज ऑल्सो एन एड फिल्म मेकर, जो साइड शायद कुछ लोगों को ना पता हो। एंड गजराज सर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे अबाउट हिज फेवरेट मूवीज, बुक्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, इंटरव्यूअर्स, और उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। आई हैड अ लॉट ऑफ फन टॉकिंग टू हिम एंड ही हैज आल्सो प्रॉमिस्ड दैट देयर विल बी अ पार्ट टू ऑफ दिस कन्वर्सेशन। बट फर्स्ट लेट्स सी द पार्ट वन ऑफ माय कन्वर्सेशन विद गजराज राव फॉर चलचित्र टॉक्स। हाय गजराज सर, कैसे आप? थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। हेलो हेलो वैभव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये आपका बहुत ही अमेजिंग सा चैनल आपने शुरू कर दिया है। ये मैंने कुछ एपिसोड हैं जो कि बड़े अच्छे लगे मुझे। थैंक यू सो मच सर। तो मेरे को आपसे बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेनी है एंड लाइक आई कैन नॉट वेट टू लाइक आस्क दोस क्वेश्चंस टू यू। अलग अलग टॉपिक्स टच करेंगे सर, बिल्कुल कैजुअल सी कन्वर्सेशन रखते हैं। मूवीज की तो हम बात करेंगे ही बिकॉज एवरीवन नोज कि हम मूवी रिकमेंडेशन लेते हैं। उसके अलावा भी हम पॉडकास्ट से जैसे चालू कर सकते हैं, पॉडकास्ट, बुक्स। तो सर पहले पॉडकास्ट रिकमेंडेशन लें हम। Yes. So, which are your favorite podcasts और आप क्या recommend करना चाहेंगे audience को? सबसे amazing जो podcast जिससे मेरा introduction हुआ वो था Cyrus का जो podcast है IBM का। वो मैंने तकरीबन साल डेढ़ साल पहले शायद सुनना शुरू किया, जब मैं walk करते हुए मुझे कहानियां सुनने का या ऐसा हमेशा रहता है, तो वो मुझे बड़ा मजेदार लगा। Cyrus के मैंने जितने भी उसके podcast के एपिसोड्स हैं ज्यादातर मैंने सुने हुए हैं, और सबसे मजेदार ये लगता है कि वो किसी को बोलने नहीं देता है। साइरस का क्या है कि साइरस जैसे आमतौर पर गेस्ट आते हैं ना, राइटर्स हैं या एक्टर्स हैं जो भी, तो वो हम आदतन क्या होता है, इंसान को अपनी कहानी बताने का बड़ा शौक होता है और उसमें फिर वो कहानी कहाँ पे रुकनी है उसमें ध्यान ही नहीं होता। तो साइरस जो है बहुत ही एकदम ब्रूटल तरीके से बीच में आके कुछ और कहानी बोलने शुरू कर, मतलब वो लूज नहीं होने देता कन्वर्सेशन, बिल्कुल बिल्कुल भी लूज नहीं होने देता है। और एक है ऑस्टिन डॉक्टर, वो लाइफ कोच हैं, और उनका पॉडकास्ट मुझे बड़ा पसंद है। अभी रिसेंटली भावना सुमैया जो कि फिल्म जर्नलिस्ट हैं बहुत रेनाउंड, उनका एक रंगमंच से रिलेटेड एक उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया है जहां पर वो थिएटर के सीनियर आर्टिस्ट जो पुराने एक्टर्स हैं जैसे इला अरुण, सतीश कौशिक जी, इन तमाम लोगों को वो इंटरव्यू कर रही हैं। अभी नया पिछले 2-3 महीने पहले ही शुरू हुआ है शायद ये। तो ये है जिनको मैं फॉलो करता हूँ आमतौर पे। उसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा और डीप जाए, आपको इंडिया में इंटरव्यूअर्स कौन पसंद है? जैसे आपने साइरस की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, Who are the people जिनका आपको लगता है कि इन्हें सवाल अच्छे से पूछने आते हैं? वो कोई न्यूज के जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं या कोई आपने कभी कोई शो देखा हो पुराना, क्योंकि वो भी एक आर्ट होता है ना, तो वो आपको कौन पसंद है? उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा ऋषि के, आरजे ऋषि के, वो बहुत अमेजिंग है। उनका होमवर्क बहुत अच्छा होता है कि वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या मतलब बहुत ही इनडेप्थ स्टडी किया होता उन्होंने जिससे भी वो इंटरव्यू करने वाले होते। मैंने उनके साथ 2-3-4 बार मौका लगा है। एक स्तुति घोष है क्विंट में, वो फिल्म रिलेटेड इंटरव्यूज लेती हैं। उनके इंटरव्यूज उतना ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, एकेडमिक लेवल पे नहीं होते हैं लेकिन वो बहुत लाइट रखती हैं। ये भावना सुमैया, वो बहुत अच्छे इंटरव्यूज लेती हैं। बरखा दत्त, उनका सवाल पूछने के जो तरीके होते हैं वो बहुत करेक्ट होते हैं। और एक है, एक वेबसाइट है ललन टॉप, ललन टॉप बहुत में कोई बहुत पसंद है, और अब देती हैं वो बहुत अच्छे सवाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगेन और प्रॉपर उनकी टीम होमवर्क बहुत अच्छा करती है। एक और एक्सपीरियंस रहा नीलेश मिश्रा के साथ मेरा, स्लो कैफे, वो मैंने तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, और अगेन वो गजब का एक तरीका होता है। ये आर्ट है, आपने बहुत सही सवाल पूछा। एक राज्यसभा टीवी में एक शो आता था गुफ्तगू विद्वान साहब, वो हमारे शो पे भी आए हुए हैं, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है वो। अनफॉर्चुनेटली अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, पर वो सर एक और दूसरे उस पे किसी रेखता पे आ रहा है, शायद किस पे आ रहे हैं, रेखता, रेखता
तो इरफान का जो मैं, हाँ मैं कहूंगा कि इंटरव्यू लेने में इरफान का कोई जवाब नहीं। मैंने ऐसे ऐसे जो सेलिब्रिटीज को देखा है जो कि बहुत चुप रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनके शोज में वो कुछ ना कुछ बुलवा लेते हैं। वो बिल्कुल एक 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 तरीका है कि वो लीड इन करवाते हैं, और जो जो जिसको इनवाइट किया है उसको बोलने देते हैं। बहुत गजब का, और बहुत कम जगह पे इंटरवेंशन आता है, और करेक्ट मौके पे होता है ना। कि हल्का जैसे वो बिलियर्ड्स खेलते हैं ना, बिलियर्ड्स हाँ में एक जगह पे, किस जगह पे बॉल को हल्का सा चोंच मारना है और उसके हिसाब से फिर बॉल अपने आप रोल करने लगती है, वैसा है इरफान। नाइस उनके पुराने शोज जो हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, वो बहुत देखता हूँ। अगर मुझे कुछ रिसर्च करना है या समझना है किसी राइटर को, किसी पोएट को, किसी म्यूजिशियन को, जैसे मैं अभी पीछे मैंने एक इंटरव्यू देखा उनका रंजीत कपूर साहब का, जो कि बहुत नामचीन थिएटर डायरेक्टर यस यस और यस राइटर रहे हैं। तो क्या आपको आपको मतलब मैं रंजीत भाई के साथ मैंने काम किया हुआ है, मुझे उनके बारे में इतनी चीजें नहीं मालूम वाह थी, इतना वो इंटरव्यू देखकर समझ में आया, और वो जो जबान के ऊपर जो पकड़ है, और बहुत बहुत ही खूबसूरत है। गुफ्तगू के सर, जैसा आपने एक एपिसोड बताया उसके अलावा आपके फेवरेट्स कौन से? क्योंकि मैंने एक अलग से, जब गुफ्तगू अभी डिसकंटिन्यू हुआ था तो मैंने उसको एक ट्रिब्यूट दिया था जिसमें मैंने मेरे 5 या 10 फेवरेट एपिसोड्स बताए थे। So, आपके कौन से फेवरेट एपिसोड्स, अगर कोई भी याद आ रहा हो? टॉम ऑल्टर टॉम का वॉल्टर वाला इंटरव्यू बहुत अच्छा था। मतलब उनके, मैंने उनका ऐसा इंटरव्यू देखा ही नहीं है उनका, तो सेम। ये अभी तो यही याद आ रहा है मुझे। ओके सर, तो काफी अच्छा मेरे को एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू वाले जोन के आपने बहुत सारे अच्छे नाम बताए। अब आते हैं हम बुक्स पे। बुक्स की सर कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए, आप किस टाइप की बुक्स प्रेफर करते हैं? मैं हिस्ट्री पढ़ना पसंद करता हूँ। हिस्ट्री और बायोग्राफी मुझे बहुत पसंद है। ह्यूमर, सटायर, सटायर पसंद है मुझे। तो हरिशंकर परसाई, उनकी जो पूरे वॉल्यूम्स हैं हिंदी में लिखे हुए, ये जो लोग नौजवान पीढ़ी में हैं, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़े उनको। उनका जो ह्यूमर है जो 60s 70s में लिखा हुआ है, वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी वो उतना ही ताज़ा लगेगा आपको पढ़कर। नाइस तो मंटो मुझे लगता है कि वो रेलेवेंट है। मैं इनफैक्ट मंटो तो जो मिलेनियल या जो यंगर जनरेशन में पता है लोगों को, ऐसा नहीं है कि मंटो कौन है। करेक्ट। मंटो लकीली उनके बारे में आपने आपको पढ़ने का मौका मिला है मंटो? मैंने पढ़ा नहीं है सर, लेकिन मूवी देखी थी और उसके बाद लाइक थोड़ा स्टोरीज का पता चला था, लाइक आई हैवंट रेड इट। हाँ तो, हाँ तो जो फिल्म बनी थी वो उससे आप पैमाना उसका नहीं बना सकते हैं गॉट इट। उसको। तो उनकी जो कहानियां हैं, जो हमारे जो डिसफंक्शनल सोसाइटी है हमारी, या हमारे जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कास्ट, क्लास, उन सब पे 40s और 50s में जो उन्होंने छोटी और बड़ी कहानियां लिखी हुई हैं, वो लगेगा आज आप पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो आज की बात कह रहा है ये आदमी, वाह ये तो आज का लिखा हुआ है। और उनकी सबसे कमाल की है बहुत ही वन लाइनर्स, टू लाइनर्स वाली कहानियां हैं, बहुत ही माइक्रो जिसको बोलेंगे वो हैं उनकी। वो भी पढ़िए, वो भी पढ़नी चाहिए। लेटेस्ट मैंने एक किताब पढ़ी, अच्छा मैं हिंदी पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी में जबान है, लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ, और कुछ मुश्किल होती है तो मैं डिक्शनरी देख लेता हूँ। तो या शशि थरूर को पढ़ने में मुश्किल होती है बहुत, शशि थरूर या नाइपॉल, नाइपॉल से आपको मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि उनके जो पूरा जो जो इमेजेस होती हैं, इमेजरी होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है अंग्रेजी के लिहाज से। तो लेटेस्ट मैंने एक किताब पढ़ी, ताहिरा कश्यप ने किताब लिखी है, 12 कमांडमेंट्स है उसके अंदर, फीमेल परस्पेक्टिव से, एक उनका समझ लीजिए आप बीती है उनकी बचपन से लेके अब तक की। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि जिस तरह से बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने ड्रॉबैक्स या जो हमारी कमजोरियां हैं हम पब्लिक के सामने बोल पाए, राइट ऐसा बहुत कम राइटर कर पाते हैं, राइट बहुत कम होता है, क्योंकि हमें अच्छा दिखने का शौक होता है कि हम अच्छे दिखें, ना सिर्फ कपड़ों में, कपड़े लत्ते में, बल्कि हमारे बारे में जो हमारी कमियां हैं लोगों तक ना पहुंचे, बिल्कुल शर्मिंदा होते हैं ना उस चीज से। तो लेकिन बिल्कुल ताहिरा ने बिना शर्मिंदा हुए अपनी बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं,
कि जब वो 12-13 साल की थी और उनके जो लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे स्कूल टाइम में, कितना ज्यादा मतलब वो आयरनी है, ब्लैक कॉमेडी है एक तरह से, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो हो रहा था उनके लिए तो टॉर्चर था, लेकिन अभी पढ़ने में और जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो बड़ा ह्यूमर है, और किस तरह से उनका जो लेटर स्टेज पे कैंसर से जो उन्होंने फाइट किया, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था कुछ साल पहले, और किस तरह से उन्होंने उससे डील किया उसके बारे में भी उस किताब में है। तो वो किताब मुझे बहुत ही अच्छी, ऑलमोस्ट ऐसा लगा जैसे अगर मैं उसको पैरेलल करूं तो जैसे खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह जब अपने अपने मेमोर या बायोग्राफी जब उन्होंने लिखी तो उसके अंदर जिस तरह से वो अपना कच्चा चिट्ठा सारा बयान कर देते हैं, तो उस तरह की किताब है। गॉट इट। एक किताब मैंने पढ़ी थी कोहिनूर के ऊपर, विलियम डलरेंपल और अनीता आनंद की किताब थी, वो जो कोहिनूर की पूरी जो जर्नी थी, ये कुछ 6-8 महीने पहले मैंने पढ़ी थी, वो वाह बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि यार एक हीरे की कहानी को कैसे ये लोग क्या करेंगे इसका, लेकिन उसको भी उन्होंने बड़ा एंगेजिंग बना दिया। और मैं अभी उसके अलावा ना पीछे लॉकडाउन में ऑडिबल और स्टोरी टेल इनको सब्सक्राइब किया मैंने, और इन पर मैं बहुत सारी जो नॉन फिक्शन और फिक्शन वो सुनता हूं मैं। तो ऑडिबल आपको मतलब ऑडियो बुक सुनना पसंद है, इक्वली पसंद है? पढ़ना मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि जितना ये पीछे का जो 6-8 महीने घरों में हम लोग फंस गए ना, तो वो ऑडिबल में क्या होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कि आप सुन रहे हैं कहानी और कुछ और काम कर पा रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा, या जर्नी है जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ दफ्तर गया एब्सोल्युटली। या कहीं शूट पे गया, तो वो उसके बीच में किताब पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कहानी सुनना, तो इनके जो ऑडिबल के और स्टोरी टेल के प्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं, का जो ऑडियो प्रोडक्शन जो वो जिसको बोलेंगे, कि वो जो कई बार होता है कि नरेटर खुद पढ़ रहा होता है कहानी को, जैसे मैंने अभी परसों डाउनलोड किया है जो ऑफिस सीरीज जो था, ऑफिस सीरीज में जो ड्वाइट थे, तो हाँ जी हाँ ड्वाइट ड्वाइट की किताब है वो। वाओ हाँ ओ काफी इंटरेस्टिंग, ये मेरे को नहीं पता। आपको पसंद है सर ऑफिस? अरे मैंने उसको 2 बार देख लिया मैंने पिछले वाओ, आपका सालों में। फेवरेट कैरेक्टर कौन है ऑफिस में? अच्छा बॉस है मतलब माइकल। जो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, और उनका होना ही अपने आप में एक कितना गजब होता है ना, टेलर मेड हाँ पार्ट है उनके लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो अब सर आते हैं मूवीज पे। मूवीज में ऐसी कौन सी मूवीज है जिन्हें जिन्होंने आपकी लाइफ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट की है या जो आप सबसे ज्यादा रिविजिट करते हैं? सो दिस कैन बी अ लॉन्गर सेगमेंट, आप मतलब डिटेल में बता सकते हैं हमें। सबसे ज्यादा मैं अगर मुझे मेमोरी में है कहानी जो मुझे फिल्म व्यूइंग का मुझे याद है, हम दिल्ली में रहते थे और ओडियन सिनेमा हॉल था वहां हम लोग गए थे, ओडियन या प्लाजा में मिस्टर नटवरलाल देखी थी हम लोगों ने बचपन में, और अमिताभ बच्चन मेरे जो होता है ना कि उस उम्र में जो 8-10 साल की उम्र होती है उसके अंदर आप बड़े अकेले होते हैं या कई बार दोस्त नहीं होते, तो अमिताभ बच्चन मेरे दोस्त बन गए थे उस एक गाने की वजह से। उसमें एक गाना था, वैसे तो बड़ों के लिए कहानी थी वो, लेकिन एक गाना था मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक कहानी सुनो, हाँ, ये मेरे मैंने, हाँ पास आओ मेरे दोस्तों, और वो शेर, और तो मुझे वो पहली यादों में से है कि मिस्टर नटवरलाल और कोई एक लहीम शहीम लंबा चौड़ा आदमी जो कि बच्चों से इतनी अच्छी दोस्ती करता है और उसका इतना अच्छा रिलेशन है। उसके बाद कह सकते हैं शायद बॉबी टीवी पर आई थी, तो वो एक यंग एडोलेसेंट रोमांस वो एक दिमाग में चिपका था कई महीनों तक। और पहली फिल्म मैंने जो देखी थी सिनेमा हॉल में जाके, हीरो टाइगर श्रॉफ के पापा की फिल्म टाइगर श्रॉफ के पापा की। दिल्ली में पटेल नगर के पास कोई सिनेमा हॉल था, वहां जाके देखी थी। और होता है कि कई वो जो जिस 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 उम्र में आप होते हैं 15-16 साल की उम्र थी शायद, और वो आपको लगता है कि हाँ ये यही तरीका है और यही जिंदगी है वो। और फिर जब आगे की दौर में बोलूं तो
सबसे जो शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ था मेरा, मुझे लगता है शिवा देखकर हुआ था। मैं थिएटर करता था और राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी और हम लोग कुछ 15-20 लोग देखने गए थे हम लोग दिल्ली में रिवोली सिनेमा में। और इस तरह की कहानी, इस तरह की मेकिंग हम लोगों ने देखी नहीं थी उससे पहले। बहुत बहुत कहानी कहने का जो अंदाज होता था, क्राफ्ट होता था, वो मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा उस जोन में होता था। राइट कि जो रियलिटी से बहुत दूर होता था। शिवा भी ऐसा नहीं था कि बहुत रियल थी, लेकिन जो उसका जो ट्रीटमेंट था, जो उसके कैरेक्टर थे, जो नागार्जुन और उसके फैमिली का जो इंटरेक्ट, अगर आपने देखी है तो सर देखिए, हाँ तो ये मुझे पूछना पड़ता है आजकल जब मैं अपने से कम उम्र के लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसा ना हो कि मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ और वो हवा में ही चला जाए। नहीं नहीं सर। फिर उसके बाद वो जो कॉलेज का पूरा जो था इंटरेक्शन होता है अमला, और जिस तरह से इलेक्शन फाइट करते हैं, और जो वो एक लंबा चेस सीक्वेंस है कॉरिडोर्स में जाता हुआ, है ना, वो जो जिस तरह से शूट किया। और सबसे शॉकिंग था एंड कि जहां पे हीरोइन मर जाती है और वो लिफ्ट के पास बैठा हुआ है, हम लोगों ने मतलब एकदम खाली हो गए थे हम लोग, क्योंकि हमें आदत थी कि हीरो एंड में मारेगा, डिशुम 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 की बहुत सारी आवाजें आएंगी, और एंड में कुछ एक मोटरसाइकिल पे जाता हुआ हीरो और हीरोइन उसके पीछे चिपकी हुई, और ऐसा कुछ होता है। वो पहली फिल्म थी जहां पर खत्म था, मतलब एंटी क्लाइमेक्स था हमारे लिए। वो मुझे उसने मुझे कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी को, हमारी जनरेशन के लिए नए सिनेमा को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन आफ्टर दैट रोजा, रोजा अपने आप में एक अलग कहानी कहने का तरीका था, उसका म्यूजिक, और उससे पहले साउथ इंडिया के बारे में मेरी समझ नॉलेज जीरो के बराबर थी विजा भी सिनेमा, कि वहाँ पे कौन फिल्म मेकर हैं या क्या होता, नई नॉलेज थी, नहीं पता था। खाली विविध भारती पे दोपहर को 3 बजे कुछ साउथ इंडियन गानों का एक प्रोग्राम आता था, वो सुना होगा कभी। ये रोजा में जो उसका जो ट्रीटमेंट, आप आर्टिकुलेशन तो नहीं था, लेकिन ये समझ में आया था कि ये पिक्चराइजेशन अलग है, ये जैसा रेगुलर होता है, और जो जिसको बोलते हैं ना कि ओवर एक्टिंग, वो कम, कि हमारे जो बाकी हिंदी सिनेमा तब तक हमने देखा था उसके अंदर सब कुछ ए फॉर एप्पल होता था, गोविंदा की फिल्में या धर्म जी की फिल्में या जितेंद्र की फिल्में, सब कुछ एग्जेजरेटेड होता था पूरा उसके अंदर, कि अरे कैसे कर रहे हो, वो मेरी नौकरी छूट गई, मतलब सब कुछ के अंदर पूछा तो तुमको मुझसे प्यार है, तो ऐसा मुंडी हिलेगा तभी प्यार होगा। लेकिन उसमें जो रोजा में जिस तरह के सीक्वेंस थे, जहां पे वो अरविंद स्वामी उसको मिलने जाते हैं मधु को, और रियलिटी के बहुत नजदीक, वो उसने मुझे एक नए तरीके के सिनेमा से मिलवाया। मुझे मेरे साथ के तमाम जो मेरे थिएटर में दोस्त थे, फिर नेक्स्ट था दिल चाहता है। दादा कि अरे ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसा सोचना चाहिए, कि वो एकदम कई मील का एक वो पार कर गया था उसमें। उससे पहले जो बैंडेड क्वीन, जिसमें मैंने एक छोटा मेरा पार्ट था, तो बैंडेड क्वीन अगेन अपने आप में एक रियल होते हुए भी कमर्शियल जोन में एक सिनेमा बना था, और परफॉर्मेंसेस किस तरह की होनी चाहिए, जिसको हम लोग यूरोपियन और उस तरह की सिनेमा देख के हम लोग बोलते थे, अरे फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में देखते थे ना, कि एक्टिंग तो बोलते हैं, एक्टिंग तो ऐसी होती है, वो बैंडिट क्वीन में था। और फिर सत्या, सत्या ने मुझे लगता है कि क्योंकि ये फिल्में सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो फिल्म आती है और ऑडियंस को ही इंस्पायर करती है, एक पूरी जनरेशन होती है एक्टर्स की, एक्ट्रेसेस की, डायरेक्टर्स की, राइटर्स की, जो उससे मोटिवेट होते हैं बिल्कुल उस तरह का, क्योंकि उससे पहले उन्होंने सोचा नहीं होता ऐसा बिल्कुल, कि आई एम श्योर रोजा से पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट अगर दिखा रहे हैं आप, तो वो हर समय कुछ बहुत ही क्रूर सा दिखने वाला होना जरूरी नहीं है। एब्सोल्युटली, पंकज कपूर साहब ने जो उसमें परफॉर्म किया था,
बहुत ही और पहली बार शायद हिंदी सिनेमा में था कि अगर कोई आतंकवादी बना है तो उसके पीछे उसके लॉजिकल रीजन क्या है, वो था कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसा वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से हमारे साथ क्या किया है, उसका एक लॉजिक में जाने की कोशिश थी। उससे पहले शायद नहीं हुआ, अभी उसके बाद भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ये हमेशा चीज सर मेरे को ब्लैक फ्राइडे में भी बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे में बहुत अच्छा था कि जिस तरह से पूरा जो पुलिस सिस्टम है, क्योंकि पुलिस को भी अगर हम लोगों ने बहुत ही वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखा हुआ है यार, ये तो खाकी वर्दी वाला है तो रिश्वत लेता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट अपनी अपना पूरा मतलब 24 घंटे लगा के क्रैक करते हैं केस को, तो वो उसके अंदर वो था कि वो जो सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। एब्सोल्युटली तो वो बिल्कुल करेक्ट बोला आपने कि ब्लैक फ्राइडे जो है वो अपने आप में एक लैंडमार्क है हमारे हिंदी सिनेमा में, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों एक्टर्स और राइटर्स और डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स और कैमरामैन, उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लिया। मैं भी उसी के बाद उसके और उड़ान के बाद ही बॉम्बे आया था सर उड़ान, उड़ान कितना बढ़िया परफॉर्मेंसेज हैं उसके अंदर, और बाप बेटे के रिलेशनशिप को कितने बढ़िया से पकड़ा हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल और दिल चाहता हुआ, लगान हुई, लगान लगान मतलब ये, और वो भी कमर्शियल जोन में रहते हुए कि कैसे बिल्कुल किया जाना चाहिए, या तारे जमीन पे, कि बिल्कुल तारे जमीन पे ने मुझे जो मुझे जाती तौर पे मोटिवेट किया ये समझने के लिए, जानने के लिए कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे डील कर रहा हूँ एजुकेशन के मामले। उससे पहले मेरा यही होता था कि मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने अपने आसपास और उसको टच करने की कोशिश की कि जहां पर मुझे लगा कि हाँ यार ये बच्चा जो है ये मार्क्स या उस जो कन्वेंशनल जो स्टडीज हैं उसमें अगर अच्छा नहीं है तो क्या और कर सकता है, तो वो उसने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया हाँ तारे जमीन पर। और हेरा फेरी, दूरदर्शन हाँ की हेरा फेरी, वो मेरा स्टेपल डाइट है। जब भी थोड़ा सा डिप्रेशन या लो फील करता हूँ तो वो चलता है, वो देखा जाता है, हेरा फेरी। हेरा फेरी और एक शाहिद कपूर की कौन सी पिक्चर थी, चुपके चुपके, चुपके चुपके से चुपके है ना, जिसमें वो अपना घर से भाग के करीना के घर में छुपता है जहां पर, आई थिंक हाँ, आई थिंक सो वो उसका जो उसका टाइमिंग है सब लोगों का, परेश भाई का और राजपाल यादव का, बहुत बहुत ही। एक और धमाल, धमाल बिल्कुल जाने भी दो यार, वो तो ये वो कुछ फिल्में हैं, चंद फिल्में जो कि मैं टाइम टू टाइम, और पिछले 6 महीने में तो मैंने ये फिल्में मतलब दो दो तीन तीन बार जरूर देखी होंगी। बिल्कुल मराठी में एक फिल्म थी देउल, ओके अगर नहीं देखी है तो जरूर देखनी चाहिए। अच्छा उमेश कुलकर्णी उसके डायरेक्टर थे और गिरीश कुलकर्णी उसमें एक्टर थे, और धर्म हमारे जीवन में कैसे होता है, और एक गांव का एक आम आदमी सडनली बोलता है उसको भगवान वहां पर अवतरित हुए हैं उसकी बात कर रहा है, और एक कैसे एक पॉलिटिशियन जो कि नाना पाटेकर हैं वो इमर्ज होते हैं सिचुएशन में। एक फिल्म है मराठी में वेंटिलेटर, एक फैमिली में एक बुजुर्ग हैं जो कि वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, और उसके बाद उसकी एक्सटेंडेड फैमिली जो है कैसे जुटती है हॉस्पिटल में, और उनके बीच में जो उनके कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में और वहां पे बैठ वाओ के, ये राजेश मापुस्कर ने डायरेक्ट किया था इसको, प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था, और इसमें मराठी के बहुत दिग्गज नामचीन बढ़िया बढ़िया एक्टर उसके अंदर हैं। वाओ उसके अलावा बंगला में एक फिल्म है माछेर झोल, ओके प्रतिम डी गुप्ता की है ये, ऋत्विक चक्रवर्ती है उसमें एक्टर शायद। हाँ, तो ये कहानी है कि एक शेफ है, इंडियन शेफ जो पेरिस चला गया है और उसकी माँ बीमार है, उसको मालूम चलता है, और कलकत्ता आता है और वो हॉस्पिटल बेड में है, और माँ उससे बोलती है कि वो जो जाने वाले दिन जो माछेर झोल बनाया था ना, मच्छी का झोल, वो मुझे खिला एक बार, वाह और वो बनाता रहता है और वो मना करती है कि नहीं ये तो वैसा वाला नहीं बना है, नहीं, ओह उसकी स्टोरी, और वो बेसिकली उसको जाने नहीं देना चाहती हैं। वाह उस शेफ का जो रोमांस है उसके अंदर,
एक श्रीजीत मुखर्जी एक हैं, बड़े गजब के डायरेक्टर हैं बंगाल में, उनकी कुछ फिल्में हैं। ऑटोग्राफ एक फिल्म है जो कि सत्यजीत रे की नायक फिल्म को ट्रिब्यूट थी, एक फिल्म स्टार की कहानी, विंचीदा। एक रिसेंटली एक 2019 में आई थिंक विंचीदा, एक मेकअप आर्टिस्ट है और उसकी जिंदगी में एक सीरियल किलर आता है और कैसे उसकी जिंदगी मोड़ लेती है। अरे इनके प्लॉट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप जो भी ना हो। वही तो कह रहा हूँ कि रीजनल सिनेमा जो है वो बहुत बहुत तूफानी तरीके से अलग किस्म का काम कर रहा। मलयालम सिनेमा, उसमें एक फिल्म है कुमलांगी नाइट्स, जो जो उसमें एक्टर हैं फहाद फाजिल, वो मेरे मतलब मैं मुझे बड़े पसंद आते हैं वो। वो अलग अलग फिल्में की हुई हैं कुछ उन्होंने, और बहुत ही गजब का काम कर रहे हैं। ये चार भाइयों की कहानी है कुमलांगी नाइट्स, वो हाँ जरूर जी, देखनी चाहिए। उसका पिक्चराइजेशन, उसका 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 स्क्रीन प्ले, उसकी राइटिंग, बहुत सब कुछ बहुत गजब है। एक एक तमिल फिल्म है सुपर डिलक्स, डार्क सुपर कॉमेडी डिलक्स है। हाँ नेटफ्लिक्स पे भी है। बिल्कुल उफ, मतलब आपको लगेगा कि ये कितना चुम्मा काम किया है उन्होंने। बिल्कुल 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 सर, अब हम आपसे वेब सीरीज और जो टीवी शोज हैं, हम इसकी थोड़ी बात करते हैं। आपके फेवरेट वेब शोज कौन सा है? मॉडर्न लव स्टोरी अमेजन पर है, मॉडर्न लव? हाँ हाँ है ना, वो जरूर देखना चाहिए। उसके अंदर जो देव पटेल का एक एपिसोड हाँ है, हाँ 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 अरे यार वो एक अलग, वो चेकोवियन है, मतलब चेखव की हाँ कहानी जैसा उसके अंदर फील है। एब्सोल्युटली। वो हो गया, और दिस इज अस, दिस इज अस। उसके मैंने 2 सीजन देखे हैं अभी। तो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है कि जैसे ह्यूमन, जो इंसानी जो कमजोरियां हैं और उसका जो अकेलापन है वो यूनिवर्सल है। इंसान की जो तकलीफें हैं वो सिर्फ मुंबई में बैठा बंदा हो, या जयपुर में बैठा हो, या विशाखापत्तनम में हो, या टेक्सास में बैठा हो, है ना। मतलब जब जब आप उनका वो हॉलीवुड वाला सिनेमा देखते हैं जो आर्नोल्ड और वो वाला, तब आपको नहीं समझ में आता, तब आपको वो हाँ लगता है अरे बड़े अलग, ये तो दूसरे प्लेनेट के लोग हैं, ये बॉर्न आइडेंटिटी या ऐसा कुछ देखते हैं तो आपको एकदम लग गया। लेकिन जब ये इस तरह का, जब ये कंटेंट देखना शुरू किया मैंने, या वुडी एलन की फिल्में आप देखेंगे है ना, मैनहैटन या उस सब तमाम चीजें, तो ये दिस इज अस मुझे बड़ा अपील किया उसने, कि जो उनकी जो कहानी है फैमिली की, जिसके अंदर उस बच्चे को जो अडॉप्ट किया है इन्होंने, और उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, और जिस तरह से वो स्क्रीन प्ले आगे पीछे जाता है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ह्यूमर में ऑफिस मैंने आपको बताया, वो बहुत कमाल है। और एक अभी मैंने पीछे देखा नॉर्समैन, नॉर्समैन अगेन ये ह्यूमर है, क्या बोलते हैं उसको, मिडिवल टाइम का स्वीडिश कहानी है, स्वीडिश प्रोडक्शन है ये, स्वीडन का है। और उसमें क्या है कि वो जो उस जमाने के कहानी उस जमाने की है, बैकड्रॉप वो है, लेकिन उनकी जो बातचीत है ना, आज की तरह आज के जमाने में जैसे बात करते हैं ना हम लोग, ये बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ये जो उस जमाने में नहीं था, तो हाँ उसको एक फार्स है वो, बहुत गजब का। उसके 2 सीजन शायद आए हैं, तो वो बहुत, अगर आपको मतलब अंडरटोन वाला ह्यूमर पसंद है राइट, तो जरूर देखना चाहिए नॉर्समैन। और एक एक है कुकू, ब्रिटिश सिटकॉम है, वो बहुत ह्यूमरस है। क्राउन बहुत अच्छा है, क्राउन क्राउन का 4था सीजन मैंने अभी फिनिश किया अभी। कंप्लीट। हाँ तो वो जो बिना बिना बोले ड्रामा कर देना, जो वाह, मतलब उस जो जो शेखर कपूर वाला जोन है ना, जो मासूम में उन्होंने किया था, या एलिजाबेथ में जो उन्होंने किया था, जरूरी नहीं है कि एक्टर बहुत जोर जोर से बोलेंगे और बात करेंगे तभी बातें कन्वे हों। पंचायत, पंचायत बहुत अच्छा है, जो कि ये मीना जी हैं उसमें, रघु भाई हैं, जीतू है उसमें, तो वो अच्छा लगा। और अभी सोनी लिव पे देखा मैंने अनदेखी, जिसमें जिमी जिमी शेरगिल हैं, जिसमें ओके वो मुझे अच्छा लगा। आर्या, आर्या बहुत अच्छा, आर्या मेरे को भी बहुत पसंद है। उसका वो मतलब आपको सुष्मिता सेन और उन सबको परफॉर्म करते देखते लगता है कि उफ वाह। बहुत अच्छा।
सर अब हम इसके बाद आते हैं, अगर आपको बीच में कोई भी और चीज याद आए तो आप बता सकते हैं मेरे को, आप बिल्कुल। बराबर, यस। हाँ जी, तो लास्ट हम सेगमेंट पे आते हैं, म्यूजिक। आपको म्यूजिक किस टाइप का पसंद है, और कोई रिकमेंडेशन जो, या अगर आप ये भी बताना चाहें आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। मुझे सूफी गाने बहुत पसंद है। सूफी गाने जैसे जो जो नुसरत फतेह अली खान साहब के हैं, या रहमान साहब ने जो क्रिएट किए हुए हैं, वो उसमें मुझे एक, या वडाली ब्रदर्स के जो गाने हैं, वो मुझे बड़ा सेलिब्रेशन जैसा लगता है मुझे। मतलब उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें कह जाता है, जो जो पोएट है और जो सिंगर है और जो म्यूजिशियन है, वो सिर्फ किसी एक सेगमेंट को, जैसे गजल में बहुत ही एक मखमली सी बातें होती हैं, तो मुझे जो जब थोड़ा डाउन होता है या कुछ होता है, तो मैं ये सूफी गाने सुनना पसंद करता हूँ, खासतौर पे नुसरत साहब के। और उसके अलावा मुझे गुलाम अली साहब की गजलें बहुत पसंद हैं, उनकी उनके गजल सुनना पसंद करता हूँ। और आर डी बर्मन, मतलब वो कभी भी सुने जा सकते हैं, कभी भी सुने, आर डी बर्मन किशोर कुमार कॉम्बिनेशन, वो कभी भी सुना जा सकता है। मुकेश पसंद है, रफी साहब पसंद है, सोनू निगम पसंद है, और अभी और लेटेस्ट कौन है, दिलजीत, दिलजीत ने मेरा दिल जीता हुआ है उसके। हाँ मतलब वो कई बार मुझे काम करते हुए, या मुझे जब है ना कि उसकी उसका उसका उसके गाने बड़े लाइट होते हैं, जो वो उसने भी गोट जो एक एल्बम निकाला है पूरा। कभी ऐसे आप एनर्जेटिक उस जोन में आने के लिए कुछ सुनना होता है कि यार कि अब ऐसे बिल्कुल पंप अप होना है, तो लाइक किस टाइप के गाने में सुनना होते हैं? तो उसके लिए जो 50 बेस्ट पंजाबी सॉन्ग्स उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। नाइस। तो देखो काफी सारी रिकमेंडेशंस मिल गई सर, एंड लाइक बहुत सारा हमें मजा आएगा इसको बनाने में, लेकिन इसका आप मेरे को प्रॉमिस कीजिए एक पार्ट टू करेंगे जिसमें हम एड्स, यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारी चीजें अभी भी रह गई हाँ जिसपे करेंगे। यस यस, हाँ मतलब एक एक अलग अगले अगले महीने शुरू कर लेंगे, 10-15 तारीख के करीब, हाँ इसके अंदर एडवर्टाइजिंग और ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल ब्लॉग, हाँ है ना, वो पकड़ते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी योर रिकमेंडेशंस। जाते जाते अगर कोई चीज़ है जो मेरे एंड से मिस हो गई हो आप बताना चाहिए, ये चीज़ मैंने इरफान सर से सीखी है, मैं हमेशा पूछता हूँ गेस्ट से। आपको कौन सी अच्छी फिल्में लगी आसपास में? सर मेरे को मतलब मेरी बॉलीवुड की नॉलेज टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ी वीक है, बट जैसे बॉलीवुड में जैसे मैंने आपको बताया पांच जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं पिछले लाइक 2000 ऑनवर्ड्स बॉलीवुड की, दे आर अलीगढ़, तलवार, उड़ान, घोसला का घोसला एंड ब्लैक फ्राइडे, जो मेरे को टॉप 5 लगती हैं। घोसला, घोसला तो है उसको, अगेन लैंडमार्क फिल्म है ना, कि उसने दिल्ली को इंट्रोड्यूस कराया, बिल्कुल का जो बैकड्रॉप है वो हिंदी सिनेमा को इंट्रोड्यूस कराया। उससे पहले यश चोपड़ा साहब की फिल्मों में आता था, गाया बगाया प्रगति मैदान दिख जाता था थोड़ा बहुत, या राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का मतलब होता है राष्ट्रपति भवन दिखा दो थोड़ा सा, तो हो गया दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना, और गाड़ी को वहां से चला दिया और पीछे राष्ट्रपति भवन, नहीं साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक दिख जाएगा, इंडिया गेट दिख जाएगा, तो दिल्ली हो जाएगा। तो दिवाकर बनर्जी ने ये एहसान किया है हिंदी सिनेमा पे कि उसने घोसला का घोसला बनाई, और बिल्कुल दूसरा ओए लकी लकी ओए बनाई, बिल्कुल इसने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया लोगों का कि हाँ अरे दिल्ली है, तो उसके बाद से दिल्ली में शूट होना शुरू हुआ, दिल्ली हाँ में सिनेमा, मतलब अदरवाइज दिल्ली को, दिल्ली में वही गिने चुने प्रगति मैदान, इंडिया गेट, वो शॉट दिखा दिए, लाल किला दिखा दिए, दिल्ली हो जाता था, बाकी सब आपका यहाँ पर शूट होता था बॉम्बे में। घोसला घोसला में हमारी फैमिली जब भी मैं पेरेंट्स के साथ देखता हूँ, उसमें एक छोटी सी चीज़ है जो हमें बड़ी पसंद आती है, क्योंकि उसमें किशन खुराना का एक जो असिस्टेंट होता है उसका सरनेम होता है मुंजाल, तो हम सारे उसी खुश हो जाते हैं, अरे मुंजाल आ गया मुंजाल। तरह से आनंद राय ने यूपी का बैकड्रॉप चेंज किया, यूपी था हिंदी सिनेमा में, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में कैसा होता था, वो जो गोविंदा की फिल्मों में हल्का सा लाल गमछा लगा लिया, और वो जो धोती और कुर्ता पहन के एक बंदा छत्रपति शिवाजी अपना स्टेशन पे उतरता था है ना, उसको मान लेते थे कि ये है काउ बेल्ट का बंदा, का कह रहे हो भैया, का हो हाँ रहा है,
आनंद राय ने चेंज किया कि काउबेल्ट ये है, रांझना आई गेस रांझना पहला था और फिर तनुवेट्स मनु, उसने बताया कि काउबेल्ट होता क्या है, राइट, तो क्या लिंगो है वहां का, वहां के रिलेशनशिप क्या है, वहां के लोग कैसे बात करते हैं, बैकड्रॉप कैसा होता है, तो वो आनंद राय ने किया। बिल्कुल। और एक फिल्म है जिसको मैं मेंशन करना मिस कर रहा था, पीकू। ओके। मुझे इस लिहाज से बड़ी मजेदार लगती है कि उसने उसका सोचो ना कि उसका उसका सब्जेक्ट क्या है, एक 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 बुढ़ा आदमी है जिसको पॉटी नहीं होती है और वो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, ये कहानी है, और उसको इतना और कहीं पे भी घिन नहीं आती है, कहीं पे भी उकाई नहीं आती है, कहीं पे भी यूं यक नहीं होता है। बिल्कुल। इतना खूबसूरती से जो राइटर और डायरेक्टर ने उसको मैनेज किया है, और इरफान और दीपिका और वचन साहब, क्या गजब के परफॉर्मेंसेज हैं उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे दो और फिल्में मेरे को बहुत पसंद है सर, बॉलीवुड से थोड़ी जो इंडी है, एक जो अभी आई थी ई बाले ऊ, ई बाले ऊ अगर सर आपने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। पता भी नहीं क्या बोल रहे हो ये। अरे सर ये तो ये सर पिक्चर आई है लास्ट ईयर, ई बाले ऊ मुंबई फिल्म फेस्टिवल जीती थी ये लास्ट ईयर। इसमें मैं प्रतीक वत्स, ई बाले ऊ सर पता है कहानी क्या है, एक मंकी रिपेलर की कहानी है। दिल्ली में एक बंदा है जिसका काम होता है गवर्नमेंट हाउसेस के बाहर से बंदर भगाना, और उसको बंदर भगाने नहीं आते क्योंकि बंदर भगाने के लिए तीन शब्द यूज करने होते हैं, ई आले ऊ, और वो भगा ही नहीं पाता और कोई बंदर उससे डरता ही नहीं, तो वो अपनी जॉब ही नहीं रख पा रहा, एंड उसको बोलते तू किसी काम का नहीं है, तेरे से बंदर भी नहीं भागते। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है। इसका ट्रेलर देखा था मैंने कहीं पे, और ये कुछ दो तीन दिन के लिए इसका फ्री स्ट्रीम हुआ था, स्ट्रीमिंग YouTube पे फ्री में भी स्ट्रीम हुई थी। यस यस यस, एक दिन के लिए हुई। अभी कहाँ देख सकते हैं? अभी सर अभी आई थिंक अभी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं, अभी एक फेस्टिवल हुआ था तो उसमें एक दिन के लिए फ्री था, आई थिंक वो ये कोई OTT प्लेटफॉर्म उठा ले तो वो है। ये पिक्चर मेरे को बड़ी पसंद आई थी। और दूसरी है सर एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है सोनी, सोनी एक फीमेल कॉप की कहानी है जो शायद इवान अय्यर ने बनाई है, जिसमें एक फीमेल कॉप है, वो थोड़ा उनको अपना एंगर इश्यूज होते हैं तो उसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट हिंदी फिल्म्स जो मैंने देखी है पिछले 20 साल में। तो ये दो है। आपको शॉर्ट फिल्म्स पसंद है? कोई शॉर्ट फिल्म्स अगर आपके अगर अभी आ रहे हो जहन में। शॉर्ट फिल्म ये देखी थी ना मैंने, अचार, अचार थी क्या, टिस्का वाली जो फिल्म थी, चटनी चटनी चटनी, यस, वो मुझे बहुत एकदम से गजब लगी। बहुत अच्छी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप इस चैनल को जिसका नाम है चलचित्र टॉकीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।